देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने पर जोर दिया जा रहा है। बेहतर शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम को भी अपडेट किया जा रहा है। आधुनिक शिक्षा के नए आयाम जोड़े जा रहे हैं। तो वहीं बिहार के मोतिहारी के इन बच्चों के पास स्कूल के नाम पर है ये खुला आसमान, टेबल के नाम पर है धरती माँ और सर की छत के नाम पर है ये पेड़। जी हाँ, आपने सही सुना है, इन बच्चों का स्कूल है ये पेड़। मामला बजरिया प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय मुखलिसपुर का है। यहाँ के छात्र मौसम के हिसाब से ही अपनी पढ़ाई करते हैं। बारिश आने के साथ ही छात्रों की पढ़ाई बंद भी हो जाती है। बच्चा लोग कोई कुछ हम लोग बोलते हैं तो लोग तक आवाज नहीं पहुंच पाता है। अभी बोल रहा है इतना ना सरसर सरसर हवा का जो है आवाज है, इसको लोग तक आवाज नहीं पहुंच रहा है। जब कुछ पढ़ाने का लय पकड़ते हैं तो बोर्ड पलट जा रहा है। इस तरह से पढ़ना उड़ने लगता है, लोग का कागज कलम उड़ने लगता है, बोरा उड़ने लगता है। इस तरह की सिचुएशन है, बहुत परेशानी होती है, बहुत परेशानी। तेज धूप होने के कारण हम लोग को दिक्कत होता है। मैडम जी लोग तो पढ़ाते हैं पर हम लोग अगर तेज धूप हो जाता है तो हम लोग गर्म होने लगता है, पढ़ने का मन नहीं करता। बरसात में हम लोग घर में चल जाते हैं और उसमें बहुत गजागुजी हो जाता है। जैसे जैसे धूप बढ़ती है वैसे वैसे स्कूल की जगह बदलनी पड़ती है। शिक्षकों को हमेशा डर बना रहता है कि कहीं कोई पेड़ की डाली टूट कर इन बच्चों पर न गिर जाए। बारिश आने के साथ ही सभी एक रूम में चले जाते। ये तस्वीरें उसी पूर्वी चंपारण जिले के एक स्कूल की हैं, जिस जिले में गांधी जी ने पहला बुनियादी विद्यालय स्थापित किया था। मकसद था यहाँ के बच्चों के अंदर शिक्षा का विकास करना। लेकिन दुख की बात तो ये है कि 1951 में स्थापित ये विद्यालय आज भी नदी के तट के किनारे एक पेड़ के नीचे चलता है। स्कूल के बारे में मोतिहारी के जिला शिक्षक पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि 1951 से लेकर आज तक अब तक उसी तीन रूम में क्लास 1 से 8 तक के छात्र पढ़ाई कर रहे हैं और अभी 6 कमरों की नई बिल्डिंग बनाई जा रही है। 51 से विद्यालय चल रहा था तो रूम चलाए जा रहे थे और कपड़े का मकान था उसमें चल रहा था, लेकिन उससे कुछ दूरी पर 500 मीटर की दूरी पर शायद जगह मिली है 2 कट्ठा समथिंग, उसमें आधारभूत संरचना के तहत 6 कमरे का निर्माण हो रहा है जो DPC लेवल तक आया है। लेकिन जब तक कि वो निर्माण नहीं हो जाएगा तब तक उसमें शिफ्ट नहीं हो सकता है। अभी इन 3 कमरों में उसी जगह जो पेड़ है उसके पास में लोग बैठ के पढ़ते हैं। पेड़ के नीचे बैठ कर पढ़ रहे ये छात्र किसी गुरुकुल के नहीं बल्कि मोतिहारी के एक सरकारी स्कूल के हैं। ऐसी तस्वीरें पहले भी आती रही हैं, लेकिन इन तस्वीरों को हर बार दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि बिहार सरकार शिक्षा में सुधार के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी भी शिक्षा का स्तर जमीन पर ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया अहेड।